जय हिंद। आज डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन भारत के गणितज्ञ तथा भारतीय पुस्तकालय जगत के जनक थे, जिन्होंने कोलन वर्गीकरण तथा क्लासिफाइड कैटेलॉग कोड बनाया। पुस्तकालय विज्ञान को महत्व प्रदान करने तथा भारत में इसका प्रचार प्रसार करने में इनका सक्रिय योगदान था। तो आप समझ गए डॉक्टर एस आर रंगनाथन कौन थे। अब सबसे पहले मैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन है। क्या है पूरा नाम? डॉक्टर सियाली रामामृत रंगनाथन। यह डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम है। डॉक्टर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 में हुआ था तथा उनके डॉक्यूमेंट के अनुसार उनका जन्म जो है 12 अगस्त 1892 है। तो कंपटीशन में पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, तो उसमें आपको 12 अगस्त 1892 ईस्वी को बताना है। कब हुआ था? 12 अगस्त 1892 ईस्वी। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हुआ, लेकिन वास्तव में जो है उनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ था। तो आप तो जानते हैं कि पहले के लोग जो है जन्म तिथि को लिख करके नहीं रखते थे, और बच्चों को जो है एडमिशन यूं ही स्कूल में जाते थे, अपने मन से करा देते थे। लेकिन अब ना हम लोग लिख करके रखते हैं, बच्चों का जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, अब आज जो है आधार कार्ड देना पड़ता है। लेकिन उन समय ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं था, लेकिन उनके सर्टिफिकेट में जो नाम और जो जन्म तिथि दर्ज है वह है 12 अगस्त 1892 ईस्वी। इसलिए हम लोगों को याद रखना है 12 अगस्त 1892, लेकिन वास्तविक जन्म कब हुआ है? 9 अगस्त 1892 ईस्वी। यकीन के अनुसार, इनके दादाजी के अनुसार, दादाजी का कहना है कि मेरे पोता का जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी में हुआ था। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? सियाली मद्रास, वर्तमान में जो चेन्नई के नाम से प्रसिद्ध है, वह सियाली में, इसीलिए इनके नाम में क्या जुड़ गया? सियाली। सियाली इनके नाम में क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इनके जन्म स्थान का नाम है, तो इनके नाम में यह सियाली जो है नाम जुड़ा हुआ है उनका जन्म स्थान। और रामामृत, रामामृत जो है इनके पिता रामामृत अय्यर, उनके पिताजी का नाम रामामृत अय्यर नाम था, तो उनके नाम का नाम पहला जो है रामामृत लिया गया। और उनके माता सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के पिताजी का नाम के नाम क्या है? तो यह है उनके पिताजी का नाम श्री रामामृत अय्यर, श्री रामामृत अय्यर। तो रामामृत अय्यर, तो इनके नाम में देख रहे हैं ना क्या लगा हुआ है? रामामृत। और आप जान गए कि उनका स्थान कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ था? सियाली में। इसलिए पहला नाम आ गया सियाली,
दूसरा नाम जो है रामामृत जी के पिताजी के पहला नाम का जो शब्द है रामामृत हुआ, और रंगनाथन जो है उनका अपना टाइटल जोड़ दिया गया, और उनके माताजी का नाम जो है श्रीमती, माताजी के नाम श्रीमती सीत लक्ष्मी, क्या नाम है सीत लक्ष्मी। तो आप जान गए डॉक्टर एसआरनाथन जी के पिताजी का नाम क्या हो गया श्री रामामृत अय्यर, और उनके माताजी का नाम हो गया श्रीमती सीत लक्ष्मी। तो यह कहां के रहने वाले थे, यह सियाली, कहां उनका पूरा जगह का नाम क्या हुआ, तो वेदांतपुरम मद्रास, यह वेदांतपुरम मद्रास के तंजौल जिले में पड़ता है, वहीं एक छोटे से गांव सियाली है जिस गांव में इनका जन्म हुआ था। रंगनाथन ने 1898 में अपने पिताजी को खो दिए जब वह केवल कितने वर्ष के थे, 6 वर्ष के। तो रंगनाथन जी के पिताजी का देहांत कब हो गया, 1898 ईस्वी में, और आप जानते हैं कि जन्म कब हुआ था, 1292 में, ये 12 अगस्त 1892 में, और इनके पिताजी की मृत्यु जो है 1898 ईस्वी में हो गई। इस प्रकार उनका जो है अवस्था कितने अवस्थे के थे, 6 वर्ष के थे, अर्थात जब डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी 6 वर्ष के थे उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। रंगनाथन ने अपने बचपन और स्कूल के दिनों को एक कट्टरपंथी दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार के सदस्य के रूप में बिताया। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन किस जाति थे, किस जाति से थे, ब्राह्मण जाति से थे। जब वे 15 साल की उम्र में पढ़ रहे थे तब उनकी शादी रुक्मणी से, तो इनके पहले वाइफ, पहले पत्नी का नाम क्या है, फर्स्ट वाइफ का नाम रुक्मणी, रुक्मणी, इनकी शादी जो है रुक्मणी से कर दी गई। रुक्मणी की उम्र जो है 11 वर्ष की, यह रुक्मणी कितने वर्ष की थी, 11 वर्ष की, और रंगनाथन जी अपने कितने वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे, तब उनकी शादी कर दी गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पहली पत्नी जो है रुक्मणी की मृत्यु हो जाती है। इनके पत्नी, पहली पत्नी की मृत्यु कैसे होती है, तो वह 1928 में मद्रास में एक मंदिर की टंकी में डूब गई, और रंगनाथन ने 1929 में शारदा से फिर पुनः जो है वह शादी कर लिए। तो उनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है, दूसरी पत्नी का नाम जो है शारदा। यह भी परीक्षा में पूछता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के प्रथम माने पहली पत्नी का क्या नाम था, तो रुक्मणी। उनकी मृत्यु कब हो गई, 1928 ईस्वी में। कैसे मृत्यु हुई, तो पानी टंकी में डूब जाने से। कहा, किस पानी टंकी में, मंदिर के पानी टंकी में। और दूसरी शादी कब हुई, उनकी दूसरी शादी जो है 1929 ईस्वी में हुई, किनके साथ, शारदा के साथ। और उनका बेटा जो है योगेश्वर, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बेटा का क्या नाम है, योगेश्वर, योगेश्वर। योगेश्वर एक इंजीनियर है, वह यूरोपीय से शादी की और अंततः लक्सम वर्ग में चला गया है, लक्सम वर्ग। उनका बेटा जो है योगेश्वर कहाँ रह रहा है, उनका बेटा जो है योगेश्वर जो है लक्सम वर्ग, लक्सम वर्ग। इनकी शादी किससे हो गई, एक यूरोपियन लड़की से हो गई। रंगनाथन जिनकी मृत्यु 27 सितंबर 1972 ईस्वी को बंगलोर में हुई थी, इनके 2 पोते और पोती हैं, और वो काफी महान संतान हैं, ये सभी अभी यूरोप में रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को
डॉक्टर रंगनाथन के बारे में बताया, क्या क्या बताया मैं निचोर बता देता हूँ। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम क्या है? तो डॉक्टर सियाले रामामृत रंगनाथन। रंगनाथन जी के नाम में सियाली और रामामृत क्यों जुड़ा हुआ है? तो सियाली जो है उनके जन्म स्थान का नाम है, रामामृत उनके पिताजी रामामृत अय्यर का नाम से रामामृत लिया गया है। मैंने बताया कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के पिताजी का नाम श्री रामामृत अय्यर और उनके माताजी का नाम क्या है? सीत लक्ष्मी, श्रीमती सीत लक्ष्मी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ है? 1892 ईस्वी में उनका ओरिजिनल जन्म है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 12 अगस्त 1892 है। जब वो 6 वर्ष के थे उनके पिता श्री रामामृत अय्यर जी की मृत्यु हो जाती है। जब वो 15 वर्ष के थे तब 11 वर्ष की लड़की रुक्मणी से शादी हो जाती है। रुक्मणी की मृत्यु 1928 ईस्वी में मद्रास के एक मंदिर के पानी टंकी में डूब जाने से हो जाती है। और उसकी दूसरी शादी श्रीमती शारदा से होती है 1929 ईस्वी में। उनका एक बेटा जो है कौन योगेश्वर इंजीनियर है, और वह जो है यूरोपियन से शादी करके लक्समबर्ग में चले गए हैं। और रंगनाथन जी जिनकी मृत्यु कब हुई? 27 सितंबर 1972 ईस्वी को कहां हो गई? बंगलोर में। बंगलोर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके दो पोते और पोती हैं जो काफी महान है, वो सभी अभी यूरोप में ही रहते हैं। तो आपको मेरा यह वीडियो आज का कैसा लगा, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप नए विजिटर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।